तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में दो कंग्रुएंसी क्राइटेरियाज के बारे में अपना कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। क्या क्या क्राइटेरियाज थे वो? एक था साइड एंगल साइड क्राइटेरिया और दूसरा था एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। ओके, तो इन दोनों क्राइटेरियाज के ऊपर हमने कई सारे क्वेश्चन भी कर लिए थे। होप है आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा, उसे देख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब पढ़ने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, रिलेटेड टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या देखा गया स्टूडेंट्स ना, कि जब ट्रायंगल के दो साइड्स को जब इक्वल लिया गया, ठीक है, ट्रायंगल्स के दो साइड्स को जब इक्वल लिया गया, जैसे मान लीजिए इसे 3 सेंटीमीटर लिया गया, इसे 3 सेंटीमीटर लिया गया, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों को इक्वल पाया गया, उसी तरह ट्रायंगल के साइज को और बढ़ा दिया गया। अब इसे 5 सेंटीमीटर लिया गया और इस साइड को भी 5 सेंटीमीटर लिया गया, तो भी क्या देखा गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जा रहा है। चलिए ठीक है, एक बार होगा, दो बार होगा, तीसरी बार फिर लिया गया बड़ा और ट्रायंगल, इस बार इन्होंने ले लिया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो भी वही चीज मिला देखने को कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है। ठीक है, क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट बन गया, ये एक थ्योरम बन गया। ठीक है, इसका प्रूफ है, अब हम पढ़ने वाले हैं उसे। इस चैप्टर में हम इसी टाइप के ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इन्हें कहते हैं, आपको तो पता ही है। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं राहुल कुमार मिश्रा, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आइए स्टूडेंट्स अपने पहले थ्योरम पर। पहला थ्योरम क्या बोल रहा है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जिस टाइप का ट्रायंगल जिसका दो अपोजिट साइड्स क्या हो, दो एडजेसेंट साइड्स क्या हो, इक्वल होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इनके अपोजिट जो भी एंगल्स होते हैं वो दोनों भी इक्वल हो जाते हैं। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा, हमें यहां प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और गिवन क्या है हमें, हमें जस्ट गिवन है स्टूडेंट्स की जो एडजेसेंट साइड्स है ना दो, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये हमें गिवन है। अच्छा चलिए कंस्ट्रक्शन किया जाए, और जो भी हमने दो कंग्रुएंसी पढ़ा है उनमें से कोई एक लगा लिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है स्टूडेंट्स, ड्रॉ एडी बाइसेक्टिंग एंगल ए एंड ज्वाइनिंग बीसी एट डी। हमें ड्रॉ करना है ये चीज। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये और ये एंगल इक्वल हो जाना है इस कंस्ट्रक्शन के बाद ही। कोई डाउट? क्योंकि हमने ऐसा एडी को ऐसे बनाया है, हमने एडी को हमने ऐसा बनाया स्टूडेंट्स कि वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, और बाइसेक्ट करने का मतलब ही होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, दो इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब चलते हैं इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल सी ए डी क्या क्या है हमारे पास, आइए देख ले। हमारे पास सबसे पहले है ए बी इज इक्वल टू बी सी जो गिवन है, फिर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी हमारे पास परोसा हुआ है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अच्छा, और तीसरा है गिवन एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल बी ए डी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ए डी। अब बहुत कुछ यहां से आ सकता है, पहला चीज जो हमें प्रूव करना था वो आ जाएगा बाय सीपीसीटी, प्रूव्ड हो गया।
ये कंग्रुएंट किससे है स्टूडेंट्स, साइड एंगल साइड से, दो साइड से इक्वल और बीच में उनके एक एंगल है। तो यहां पे लिखिएगा बाय SAS ट्रायंगल BAD इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल CAD। ठीक है, ये हमारा आ गया स्टूडेंट्स। बहुत कुछ अब आ सकता है, आप देखिए अब यहां से कुछ और चीजें भी निकल जाएंगी, रिजल्ट्स कुछ और निकलते हैं। ठीक है, और रिजल्ट्स क्या क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, और क्या क्या रिजल्ट्स होता है। देखिए जब भी हम एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में, उस एंगल का जो दोनों इक्वल साइड्स के बीच में लाई करता है तो क्या होता है समझिए, ये जो डी होता है ना डी, तो यहां पर लिखना है एंगल बाइसेक्टर Also bisects opposite side। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि BD जो होगा वो DC के बराबर हो जाएगा बाई CPCT से, क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को तो कंग्रुएंट दिखा दिया है, तो ये पार्ट और ये पार्ट भी इक्वल होगा, जाहिर सा बात है, क्योंकि ये साइड और ये साइड दोनों ट्रायंगल का इक्वल है, ये कॉमन है। अब कंग्रुएंट ट्रायंगल है तो ये साइड और ये साइड भी तो बराबर होना चाहिए ना। तो ये देखिए एंगल बाइसेक्टर आल्सो बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड्स, ये भी होता है। अच्छा और क्या आ सकता है फ्रेंड्स, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल होगा। तो अब समझिए देखिए दूसरा रिजल्ट देखिए क्या हो जाता है, एंगल बाइसेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड, क्योंकि स्टूडेंट्स एंगल बी डी ए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। अब जो दोनों इक्वल है स्टूडेंट्स तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 90 डिग्री, मतलब हर एक एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह काम कर रहा है। एंगल बाइसेक्टर जो क्या हो गया अब अपोजिट साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड। अब तीसरा चीज हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर, इन सब में एक चीज रहना है कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल कर देना है आपको, एंगल बाइसेक्टर इज सेम एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर सेम इन एन आइसो सेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट्स हैं। ठीक है, इसी पे बेस्ड मैंने आपको अभी बता दिया है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, इसे दिमाग में रखना है, या फिर आप दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट जब दिखाएंगे ये केस अपने आप आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है, कहीं दिया हुआ नहीं है बुक में, मैंने आपको बता दिया है, साइड बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, ब्रीफ करके मैंने बता दिया है, प्रूफ तो यही है, प्रूफ इसके अलावा और कुछ है भी नहीं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, साइड में से नोट कर दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके कन्वर्स पे अब चलते हैं। ठीक है, अब कन्वर्स पे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि क्या अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो क्या ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं कैसे उसको कंग्रुएंट करके प्रूफ करेंगे। दूसरा थ्योरम क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ये गिवन है, इक्वल एंगल्स है यहाँ पे गिवन, हमें साइड्स अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, इन दोनों एंगल्स के जो साइड्स हैं ना अपोजिट वाले वो दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए गिवन क्या है, गिवन है स्टूडेंट्स की एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अच्छा, और प्रूफ क्या करना है हमें, हमें प्रूफ करना है ए बी साइड इज इक्वल टू ए सी साइड, ये प्रूफ करना है। ओके, आइए कंस्ट्रक्शन का सहारा फिर से लिया जाए, फिर से वही काम, क्या कंस्ट्रक्ट करें स्टूडेंट्स, हम फिर से वही ड्रॉ एडी
बायसेक्टिंग एंगल ए एंड मीटिंग बीसी एट डी। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है, क्योंकि हमने बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर एडी बनाया है एंगल ए पे, ठीक है, बाइसेक्टिंग एंगल ए एडी जो क्या है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। अच्छा अब यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आइए इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल सी ए डी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी गिवेन है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन और ए डी साइड जो है वो दोनों क्या कॉमन हो जाएगा, ए डी कॉमन ए डी, तो देयर फोर बाय, अब बताइए एंगल बीच में तो साइड आ नहीं रहा है और एंगल आ रहा है ऐसे एंगल एंगल साइड, ठीक है, तो ऐसे करना है आपको बाय ए ए एस कंग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ट्रायंगल बी ए डी विल बी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ए डी। अब यहां से ए बी साइड इज इक्वल टू ए सी साइड हम बोल सकते हैं बाय सीपी सीटी, ठीक है, कोई शक? तो स्टूडेंट्स देखिए अब हमारे पास इस केस में क्या था, अपोजिट एंगल्स इक्वल है, अब हमें इन एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स है ना वो आपस में इक्वल है कि नहीं वो प्रूव करना था। तो हमने एबीसी ट्रायंगल में एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन था, एडी बाइसेक्टर बनाया एंगल ए का हमने, ओके अच्छा ये एंगल इक्वल टू ये हो गया। अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी एडी ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल एंगल सी एडी, तो बाय कंस्ट्रक्शन, और एडी साइड दोनों में क्या है कॉमन है, तो एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल बी एडी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एडी, हो गया। जैसे कंग्रुएंसी आता है हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या बोल सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स विल बी इक्वल, यही है रूल, तो सीपीसीटी से हम बोल दिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये वाला थ्योरम भी कन्वर्स भी। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं हम, कंग्रुएंसी कैसे हमें लगाना रहता है वो हमने तो सीख लिया है पिछले लेक्चर में ही, ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में आते हैं, एग्जाम्पल्स को आप देखिएगा आपको समझ में आएगा, एक्सरसाइज से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विथ एबी इज इक्वल टू एसी, चलिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ए है ये बी है ये सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी दे दिया है, ठीक है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट एट ओ, चलिए एंगल बाइसेक्टर जो है इनका वो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है और ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल है, ठीक है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है ही, कोई दिक्कत नहीं है, ये ओ पॉइंट है। अब हमें ज्वाइन कर देना है एओ को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें प्रूफ करना है क्या कि OB इज इक्वल टू OC होगा, हमें ये चीज प्रूफ करना है, और दूसरा क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, दूसरा हमें ये प्रूफ करना है कि जो OA है जो OA लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहा है, ठीक है, चलिए बहुत आसान है। अब आते हैं एक बात, यहां बात करते हैं एंगल B गिवन क्या है स्टूडेंट्स, हमें गिवन है कि एबीसी ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ
ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। जैसे ही हमें ये कंडीशन मिला हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। यही ना हमने थ्योरम देखा कि अगर दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं आपस में, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। तो मतलब हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी भी तो होगा, ये भी तो होता है। मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, अब इस ट्रायंगल में आ जाते हैं एंगल ओ बी सी, मतलब इसका एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ठीक है। सिंस ओ बी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड ओ सी बाइसेक्ट्स एंगल सी, खेल खत्म, ठीक है। ओ बी और ओ सी बाइसेक्ट कर रहे हैं ना एंगल बी और एंगल सी को, तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल हो गया। अब ये पूरा एंगल बी इक्वल टू पूरा एंगल सी था, तो हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी हो जाएगा। अब हाफ ऑफ एंगल बी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ बी सी भी लिख सकते हैं, और हाफ ऑफ एंगल सी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ सी बी भी लिख सकते हैं। तो हमारा प्रूव हो गया ना, दिस इंप्लाइज स्टूडेंट्स की ट्रायंगल ओ बी सी इज ऑल्सो आइसोसेलेस, ठीक है। Therefore क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, OB is equal to OC, proved। पहला हमारा केस प्रूव हो गया, कोई शक, यही तो हमने पढ़ा ना स्टूडेंट्स। हमने दो क्राइटेरिया पढ़े, जब साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल है, और जब अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएं तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे आपस में। यही तो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये चीज हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्यों हमने लिखा है सर, बाय यहाँ पे सीन्स थ्योरम टू हमारा क्या था स्टूडेंट्स, कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल, देयरफॉर ओबीसी क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स, दो साइड्स इक्वल होता है, यही चीज था, आ गया। अच्छा, OB इक्वल टू OC आ गया हमारा। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हमारा इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO गिवन क्या क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, हमारे पास पहला चीज गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। अच्छा, दूसरा चीज क्या है स्टूडेंट्स गिवन है, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ, फिर से वही चीज, सिंस ओ बी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड ओ सी बाइसेक्ट्स एंगल सी, ठीक है। और एक चीज क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स की, OB इज इक्वल टू OC, ठीक है। यहां से हमने लिया है ना, ये वन से फ्रॉम वन लिख दीजिए यहां, तो हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, से हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स कि जो ट्रायंगल ए बी ओ है वो कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी ओ के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं, हम यहां से बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो एंगल बी ए ओ होगा वो एंगल सी ए ओ के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, अब हम बोल सकते हैं कि नहीं बाय सीपीसीटी से, जब ये ट्रायंगल स्टूडेंट्स कंग्रुएंट हो जाए ये ट्रायंगल के और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, तो ऑब्वियसली ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा सीपीसीटी से, मतलब ए ओ क्या हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। दिस इंप्लाइज क्या, OA bisects angle A, proved। खत्म।
ठीक है स्टूडेंट्स, आइए शुरू से देख लेते हैं। देखिए ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस दे दिया था विद साइड्स ए बी इज इक्वल टू ए सी, डायरेक्ट यहां से लिखना है आपको, देयरफॉर इसका मतलब क्या होता है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये पहला चीज है। ठीक, अब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी मिल गया तो हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल हो जाएगा। अब हाफ ऑफ एंगल बी आप ये वाला भी ले सकते हैं और आप ये वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने नीचे वाला लिया क्यों, क्योंकि हमने ट्रायंगल ओबीसी पे फिर बात बना दिया, घुमा दिया बात को, तो एंगल ओबीसी इज इक्वल टू एंगल ओसीबी हो जाएगा। अब इससे क्या हुआ फ्रेंड्स, छोटे वाले ट्रायंगल में हम नजर दौड़ाइए, ट्रायंगल ओबीसी में ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल है तो ऑब्वियसली ओबी इज इक्वल टू ओसी होना चाहिए। कन्वर्स सेकंड जो कन्वर्स कराया हमने कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर व्हाट, इक्वल, बस कर दिया हमने। आइसोसेलेस ट्रायंगल ओबीसी को भी ये तो बना दिया ना स्टूडेंट्स, बेस एंगल्स जब इक्वल हो गए तो ट्रायंगल ओबीसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। जैसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ ओबी इज इक्वल टू ओसी हो जाएगा, तो वही हमने किया प्रूफ। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम इस वाले ट्रायंगल में, एंगल एबीओ में और एंगल एसीओ में, ये वाला इक्वल टू ये दिया हुआ है, एंगल ये इक्वल टू एंगल ये अपने आप हो जाएगा। फिर से वही चीज स्टूडेंट्स की हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। अब हम हाफ ऑफ एंगल बी को ऊपर वाला इस बार ले लेंगे, हाफ ऑफ एंगल सी को भी ऊपर वाला ले लेंगे, बात बराबर है। ठीक है, एंगल साइड और ये हमारा जो ओ ओ बी इक्वल टू ओ सी है ये हमने अभी प्रूव किया, तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स एंगल ए बी ओ और एंगल ए सी ओ दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कंग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे ही कंग्रुएंट होंगे स्टूडेंट्स ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हम बोल सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। उसके बाद हमने बाइसिपिसिटी से, तो हमने क्या फिर बोल दिया लास्ट में कि ओ ए जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। ठीक है, प्रूव हो गया हमारा सेकेंड पार्ट भी, नोट करिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। दिया हुआ एंटर एंगल एबीसी एडी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का, मतलब ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री तो हैं ही, साथ में ये साइड और ये साइड भी इक्वल है क्योंकि डी एडी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को भी ना, तो बीडी इक्वल टू डीसी हो जाएगा। ठीक है, दो चीज हमें मिल गया। अब हमें दिखाना है स्टूडेंट्स ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो पहले हम इन दो ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम बोल सकते हैं ना साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी। जैसे ही दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं ट्रायंगल क्या हो जाता है, आइसोसेलेस। चलिए ये प्रूफ करते हैं, गिवन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है एंगल एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, इसका मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट्स कि बीडी इज इक्वल टू डीसी पहला चीज, और दूसरा चीज क्या हो जाएगा एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एडीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा आइए अब बात करते हैं इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी में क्या क्या बात होगा स्टूडेंट्स। पहला चीज कि बीडी इज इक्वल टू डीसी, ठीक है गिवन है। दूसरा चीज कि एंगल बीडीए या एडीबी बात बराबर है इज इक्वल टू एंगल सीडीए, ठीक है यहां पे क्यों ऐसा हुआ क्योंकि ईच 90 डिग्री है और AD इज इक्वल टू AD कॉमन हो जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स बाय SAS कंग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, देख सकते हैं आप साइड एंगल साइड एंगल बीच में आ रहा है दोनों साइड्स के, SAS कंग्रुएंसी क्राइटेरिया हम आराम से लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ABD विल बी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सीपीसीटी। हम ये भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा बाय सीपीसीटी। आप दोनों में से कोई भी एक चीज अगर आ गया ना, अगर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी भी दिखा दिए आप, तो ए बी सी ट्रायंगल क्या हो जाएगा आइसोसेलेस हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, जरूरी नहीं है कि साइड से दिखाएं आप, अगर एंगल्स इक्वल रहेंगे तो भी आइसोसेलेस हो जाता है ट्रायंगल बेस एंगल्स। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बस खत्म।
विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी, प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है। बहुत आसान प्रूफ था, तो बहुत कुछ दे दिया था, एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए डी बी सी पे, तो मतलब परपेंडिकुलर भी है, मतलब ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए अगल बगल वाले, बाइसेक्टर भी साइड का बी सी का है, मतलब बी डी इक्वल टू डी सी हो गया, और ए डी हमारे पास कॉमन है ही, तो हमने ए बी डी ट्राइंगल को और ए सी डी ट्राइंगल को दोनों को कंग्रुएंट प्रूफ कर दिया भाई, एस एस कंग्रुएंसी से, साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी से। ओके, जैसे ही हमने कंग्रुएंट प्रूफ किया, ए बी इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लिख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं बस। तो हमारा एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो गया इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। दिया हुआ है एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहां पे सबसे बड़ा चीज की गिवन क्या हो जा रहा है, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके, इन विच एल्टीट्यूड्स बीई एंड सी एफ आर ड्रॉन, बीई और सी एफ एल्टीट्यूड्स को ड्रॉ किया गया, एल्टीट्यूड्स मतलब परपेंडिकुलर, जिस साइड को इंटरसेक्ट करेगा वो वहां परपेंडिकुलर हो जाएगा, एल्टीट्यूड का मतलब वही होता है, इक्वल टू इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी इक्वल साइड्स, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या देना है स्टूडेंट्स, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ओके, हमें इक्वल एल्टीट्यूड्स को इक्वल दिखाना है। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ना अलग कर लेते हैं, बी ए ई को कुछ इस तरह से, ये तो 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये ई है, हमने इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को हमने अलग कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये था एफ, हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव बीई इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है, एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी साइड्स, ये गिवन है, ठीक है। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें गिवन है, हमें एक और चीज गिवन है स्टूडेंट्स, ये वाला चीज, और एक चीज कॉमन है दोनों में, ये वाला चीज, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। आइए, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए एफ ए सी एफ क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवेन है, अच्छा एंगल बी ई ए इज इक्वल टू एंगल सी एफ ए ईच 90 डिग्री, आप देखिए एंगल बी ई ए मतलब ई एंगल और एंगल सी एफ ए मतलब एफ एंगल, ये दोनों 90 डिग्री है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आइए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, दोनों ट्रायंगल में एंगल ए तो पूरा आ ही जा रहा है ना, तो कॉमन हो गया वो, तो हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, बाय एंगल एंगल साइड कंग्रुएंसी क्राइटेरिया से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कि जो हमारा ट्रायंगल ए बी ई है वो कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के, इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, कि जो बीई है वो सी एफ के इक्वल है, कैसे, बाय सीपीसीटी प्रूव्ड, यही करना था हमें प्रूव, हमें एल्टीट्यूड्स को इक्वल दिखाना था, एल्टीट्यूड्स बीई और सी एफ इक्वल आ गए, ठीक है। फिर से आते हैं, देखिए हमने ये वाला ट्रायंगल उठा के यहां रख लिया और ये वाले ट्रायंगल को उठा के यहां रख लिया, अब हमें प्रूव करना था बी इज इक्वल टू सी एफ, बी इज इक्वल टू सी एफ प्रूव करना है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा एंगल ए कॉमन है दोनों में, पूरा का पूरा इंक्लूड हो जा रहा है, और ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें दिया ही हुआ है, तो हमें एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से हम नहीं बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंग्रुएंट है, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया तो हम पढ़ चुके हैं, तो उसको हम यहाँ अप्लाई बखूबी कर सकते हैं, जैसे हमने अप्लाई किया हमने सीपीटी लगा दिया फिर इन दोनों ट्रायंगल्स में और बी इज इक्वल टू सी एफ बोल दिया, ठीक है। नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं, अब
स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन भी हमारा ऊपर के जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले आइसोसेलेस दिया हुआ था, अब आइसोसेलेस ना देके एल्टीट्यूड्स को इक्वल दे दिया है। ठीक है, तो वही चीज करना है हमें, वही खेल खेलना है हमें दोबारा। ये 90 डिग्री है, ये हो गया ए बी ई, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एफ सी। ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स में। अब इसमें और इसमें हम लोग वापस से खेलेंगे। अब देखिए इस बार दिया क्या हुआ, इस बार देखिए गिवन है एल्टीट्यूड्स इक्वल है, गिवन क्या है हमें कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ है, ये गिवन है हमें, और हमें प्रूव करना है इन दोनों चीजों को। ठीक है, हमें ये चीज गिवन है और एल्टीट्यूड से ये दोनों, तो इसीलिए क्या हो गया एंगल बी ई ए इज इक्वल टू एंगल सी एफ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक, अच्छा आइए अब इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ क्या क्या खेल होगा। आइए एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ ए, ये तो हमें गिवन है, ईच 90 डिग्री है क्योंकि, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अच्छा उसके बाद क्या इक्वल है स्टूडेंट्स, एंगल ए और एंगल ए दोनों में तो कॉमन है पूरा का पूरा ना, और हमें बी ई इज इक्वल टू सी एफ ये गिवन है, तो दिस इंप्लाइज बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई विल बी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। क्लियर है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गया, ये भी क्लियर है बाय सीपीसीटी से। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सब प्रूव हो गया लाइन से स्टूडेंट्स, देखिए आसान था तो कुछ था नहीं यहां। ठीक है, इस बार दिया हुआ है ये चीज, इस बार ये इज इक्वल टू ये दे दिया है और हमने ये कॉमन ले लिया एंगल ए को, दोनों में एंगल ए कॉमन है दोनों केसेस में। ठीक है, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया हमने लगाया, इस पूरा ट्राइंगल का इस पूरा ट्राइंगल दोनों का क्या हो गया आपस में कंग्रुएंसी साबित हो गया बाय एंगल एंगल साइड कंग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, बार बार मैं ऑर्डर पे बहुत ध्यान दे रहा हूँ, एंगल एंगल साइड आप अपने मन से एंगल साइड एंगल मत लिख दीजिएगा, एंगल साइड एंगल तभी लिखिएगा जब ऐसा कुछ हो केस कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो, फिर ये वाला साइड इक्वल हो, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो, जब दो एंगल्स के बीच में साइड दोनों इक्वल हो जाते हैं तब वहां हम लिखते हैं ए एस ए। ऐसे केसेस के लिए एंगल एंगल साइड यूज करेंगे। ठीक है, ये समझ के रखिए फर्क है दोनों में, बार बार रिपीट करता हूं। ठीक है, नोट करिए, अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो इजीएस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बस दो जार का कंसेप्ट आपको लगाना है और इक्वल हो जाना है। हमें देखिए एबीसी और डीबीसी दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है सेम बेस पे, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, हमें प्रूव करना है ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल दोनों इक्वल है, ये प्रूव करना है हमें। अच्छा गिवन क्या क्या है आइए लिखते हैं, गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी AB is equal to AC, ठीक है, फिगर में ही दिया हुआ था। हम यहां से क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि एंगल ABC is equal to एंगल ACB, ये वन हो गया। ठीक है, दूसरे में आइए इन ट्रायंगल BDC, यहां पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, BD is equal to DC। ठीक है, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये भी क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा इसीलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल डी बी सी विल बी इक्वल टू एंगल डी सी बी, ये हो गया टू। ठीक है, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उनका बेस एंगल्स भी इक्वल हो जाता है, अब जोड़ देना है वन और टू को, एडिंग वन एंड टू,
क्या दिख गया स्टूडेंट्स, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। अच्छा ए बी सी एंगल और डी बी सी एंगल को जोड़ते क्या मिल जाएगा, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्या आ गया, इज इक्वल टू देखिए अब एंगल ए सी बी को और एंगल डी सी बी को जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा ना एंगल ए सी डी के बराबर, यही ना प्रूव करना था हमें, आ गया प्रूव, बहुत आसान था ये, दो जगह हमें लगा देना है वही चीज की, ये ट्रायंगल ये पूरा ट्रायंगल आइसोसेलेस है विद साइड्स ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, उसी तरह बी डी बी सी या बी डी सी ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद दिस साइड इक्वल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, अब इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी डी पूरा इज इक्वल टू ए सी डी पूरा हमारा आ जाना है, बस यही तो किया हमने, ठीक है नोट करिए आगे बढ़ते हैं हम। आइए स्टूडेंट्स अपने छठे क्वेश्चन में दिया हुआ है एबीसी पूरा ट्रायंगल, एबीसी ट्रायंगल आइसोसेलेस है ठीक है विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक मतलब कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल हो गया, यहीं से कंफर्म डायरेक्ट करिए ठीक है, ऐसे ही चला जाता है, जैसे ही दो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद दिया हुआ है बी ए प्रोड्यूस किया गया डी तक ठीक है, सच दैट ए डी इक्वल्स टू ए बी, ए डी और ए बी इक्वल हो गया। अब एक बात बताइए ए बी इक्वल टू ए सी है और ए डी इक्वल टू ए बी है तो ए डी इक्वल टू ए सी भी तो हो जाएगा ना, तो मतलब ए डी सी ट्रायंगल भी हमारा आइसोसेलेस हो गया, मतलब कि स्टूडेंट्स हमारा ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो भी इक्वल है, ठीक है आइए अब इसी को लिखते हैं सॉल्यूशन में, क्या है गिवन स्टूडेंट्स, हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी ठीक है इन ट्रायंगल ए बी सी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक है ये हो गया वन याद रखना है। अच्छा नाउ ए बी इज इक्वल टू क्या है अब हमारे पास नया चीज, ए बी इज इक्वल टू ए डी आ गया अब हमारे पास, ठीक है ये गिवन है हमारे पास। अच्छा ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू ए सी ये भी गिवन है, तो देयर फोर ए सी इक्वल टू ए डी आ गया, तो दिस इंप्लाइज क्या स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल ए सी डी इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो दिस इंप्लाइज क्या एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, यहां हो गया स्टूडेंट्स टू। अब आइए इन ट्रायंगल बी डी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, अब पूरे बड़े वाले ट्रायंगल पे बात करते हैं बी डी सी में, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या बोलता है कि इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में इस एंगल का प्लस इस एंगल का प्लस इस एंगल का तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री के बराबर, तो लिखते हैं एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। देखिए डी बी सी मतलब ये वाला एंगल, डी बी सी मतलब ये वाला एंगल, बी डी सी मतलब बी डी सी मतलब ये वाला एंगल, डी सी बी मतलब डी सी बी मतलब ये वाला एंगल पूरा, तीनों का सम कितना हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल में 180। अब आइए डी बी सी को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम डी बी सी को क्या लिख सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस बी डी सी, बी डी सी को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एंगल बी डी सी, ये हो जाएगा एंगल ए सी डी के बराबर कोई शक, प्लस अब डी सी बी पे आते हैं एंगल डी सी बी को तोड़ते हैं स्टूडेंट्स किसमें किसमें, एंगल ए सी बी में प्लस एंगल ए सी डी में, ठीक है ये कहां से आया फ्रॉम वन एंड टू देख लीजिए आप, ठीक है वन और टू में क्या दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम आइए यहां से देखते हैं खेल, ठीक है ये वाले को हमने डीसीबी को देखिए दोनों में तोड़ दिया है, ठीक है
अच्छा अब ए सी बी दो गो है हमारे पास, ए सी बी, अब देखिए यहाँ पे एंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, एंगल ए बी सी किसके बराबर है, एंगल ए सी बी के, तो इसको लिख लिया हमने प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 1 on 2 से ही आया। अच्छा अब हम क्या कर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अब हम देख सकते हैं ना ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देखा जोड़ दिया हमने, दो बार ए सी डी है और दो बार ए सी बी है, तो मतलब दो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा स्टूडेंट्स एंगल ए सी बी मतलब ये वाला एंगल और एंगल ए सी डी मतलब ये वाला एंगल दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा एंगल बी सी डी, तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 90 डिग्री, यही ना प्रूफ करना था। टू से 180 डिग्री को हमने काट दिया, ठीक है, और ये दोनों का सम कितना हो जाएगा एंगल बी सी डी के बराबर, प्रूव्ड हो गया हमारा, बस इतना ही काम था। अब डिस्कस करते हैं फिर से, देखिए हमने क्या किया है, हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का फायदा कैसे उठाया, हमने बोला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, होता ही है, जैसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल नाम गूंजा इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे, पहला चीज। दूसरा चीज हमें ये इज इक्वल टू ये दे दिया है, पहले से हमें पता है कि ये साइड इक्वल टू ये साइड है, मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल है, मतलब ट्रायंगल एसीडी भी आइसोसेलेस है, मतलब अब ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा। अब सिंपल हमने किया क्या, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में हमने ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू कितना कर दिया 180 डिग्री। अच्छा ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है तो हमने कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है तो हमने उसे भी कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, एंगल बी डी सी को देखिए हमने कन्वर्ट कर दिया एंगल ए सी डी में, यही दिमाग लगाया, और हमने ये वाले एंगल को तोड़ दिया फिर से इसमें और इसमें, अब देखिए 2ACB आ गया और 2ACD आ गया और फिर से उनको जोड़ दिया, तो हमारा जो पूरा एंगल है BCD एंगल ये पूरा 90 डिग्री प्रूव हो गया, बस यही काम था, नोट करिए इसे, आगे बढ़ते हैं हम। 7th क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दिया हुआ है ABC राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल A पे, एंगल A 90 डिग्री है, और क्या दिया हुआ है AB साइड इक्वल टू AC साइड, मतलब ABC ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है, हमें एंगल B और एंगल C फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना है सीन्स ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इंप्लाइज क्या कि एंगल ए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, ठीक है, यही तो थ्योरम होता था स्टूडेंट्स कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, तो यही तो रूल है आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल भी तो इक्वल होगा। अच्छा अब आइए इन ट्रायंगल एबीसी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे 1 बना दीजिए, एंगल ए का वैल्यू 90 डिग्री है, एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री क्योंकि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है। अच्छा 2 एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल बी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 45 डिग्री, और जब एंगल बी 45 हो जाएगा तो ऑल्सो एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री फ्रॉम 1, इसको भी कैसे किया यही पे फ्रॉम 1 ही, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 भी, तो बस यही था आंसर आ गया हमारा, हमें एंगल बी और एंगल सी के बारे में ही पता लगाना था और तो कुछ है नहीं इससे ज्यादा टफ यहाँ। क्या है स्टूडेंट्स ये एंगल ए बी इक्वल टू ए सी है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो इक्वल हो गया, अब ये प्लस ये तीनों का सम कितना होता है ट्रायंगल में 180 डिग्री के बराबर, एंगल ए 90 डिग्री है उसे रख दिया, एंगल सी को एंगल बी के बराबर कर दिया चेंज, अब 2 एंगल बी 90 डिग्री बराबर तो एंगल बी 45 हो गया, उसी तरह एंगल सी भी 45 हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, बस यही करना था हमें, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस दिया है हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है, और हमें प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है,
कैसे प्रूफ करेंगे? तो एक चीज समझिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल सीन्स एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो देयरफोर एबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं ना स्टूडेंट्स कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा जब ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। अब इसके लिए क्या रूल लगाते हैं हम कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है? अब स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, अब सिमिलरली BC इज इक्वल टू AC, तो जब BC इक्वल टू AC हो जाएगा मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक। अच्छा, तो वी हैव, अब हमारे पास क्या क्या आ गया हाथ में स्टूडेंट्स कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। देख सकते हैं आप, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हमने कर दिया प्रूफ, फिर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी भी कर दिया, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी भी हो जाना है। अच्छा, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या मिलता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम वन। दिस इंप्लाइज थ्री एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, थ्री से कटा 60 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री विच इज इक्वल टू एंगल बी एंड दिस इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। दिस इंप्लाइज ईच एंगल इज 60 डिग्री प्रूव। बस यही तो करना था, हमने इन दोनों साइड्स के थ्रू क्या इक्वल दिखाया, ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल हैं, ठीक है। ये दोनों साइड्स ए बी इक्वल टू ए सी था तो हमने बोला एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, उसी तरह फिर बोला ये साइड इज इक्वल टू ये साइड है मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब जब बी इक्वल टू सी है और ए इक्वल टू बी है तो मतलब ए इक्वल टू सी भी हो गया, ओके। अच्छा, तीनों एंगल इक्वल हो गया। अब इस ट्रायंगल में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दिया, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री बराबर, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब तीनों इक्वल है तो हमने सबको एंगल ए के रूप में कन्वर्ट कर दिया, फिर थ्री एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3 से 180 काटे 60 बार में, ठीक है, तो एंगल ए 60 डिग्री आ गया जो कि एंगल बी और एंगल सी के बराबर भी है, तो ईच एंगल हमारा 60 डिग्री प्रूव हो गया। यही था हमारा आखिरी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज सेकंड जो है वो पूरा ओवर होता है। कैसा लगा आपको ये पूरा लेक्चर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, कोई भी दिक्कत हो क्वेरी हो जरूर मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं आप, या कमेंट बॉक्स में भी आप अपना क्वेरी डाल सकते हैं। खाते पीते मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, एंड टेक केयर।